हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी ने नई सरकार के गठन की तैयारी तेज कर दी है। जीत के नायक नायब सहनी को बीजेपी ने कमान सौंप दी है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की। आज सीएम उम्मीदवार पर मुहर लग चुकी है और अब कल से हरियाणा में एक बार फिर नायब सरकार की गूंज सुनाई देगी। नायब सहनी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ सरकार। हरियाणा में नायब ही बीजेपी के नायक रहेंगे, इस बात का आज आधिकारिक ऐलान हो गया। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये घोषणा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से नायब सिंह जी का। मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नाम के ऐलान के बाद नायब सैनी ने अमित शाह से गले लगकर आशीर्वाद लिया और अमित शाह ने भी बेहद आत्मीयता से उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद वहां मौजूद संगठन के पदाधिकारियों और विधायकों ने बारी बारी से नायब सैनी को बधाई दी, एक दूसरे को लड्डू खिलाए। उनके नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा था, उन्होंने मेहनत करी, नीतियां जो है जन जन तक कार्यकर्ता ने पहुंचाई, लोगों तक, और जन जन को मालूम है, विश्वास उन्होंने फिर से जताया भाजपा में, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद कार्यकारी सीएम नायब सैनी सीधे राजभवन के लिए निकले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। अब नायब सैनी कल पंचकूला में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने जनता को पंचकूला पहुंचने का निमंत्रण भी दे दिया है। हरियाणा की जीत को बीजेपी बड़े सियासी कैनवास पर दिखाने की तैयारी में है। पंचकुला में शक्ति प्रदर्शन के जरिए महाराष्ट्र और झारखंड में सियासी संदेश देने की कोशिश है। चुनाव देश भर के राजनीति के पंडितों के लिए आश्चर्य पैदा करने वाला चुनाव। सबने दिल्ली में एक आकलन लगा दिया था कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनी, परंतु हरियाणा की जनता का मैंडेट भाजपा के पक्ष में आया। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, किसान आंदोलन और पहलवान प्रदर्शन के चक्रव्यूह को भेद कर बीजेपी ने सियासी इतिहास रच दिया। इसमें नायब सैनी की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। चुनाव के दौरान जिन नेताओं की सीएम की कुर्सी पर नजर थी वो भी नायब को नायक बता रहे हैं। एमएलए ने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। हरियाणा जीत के बाद महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। वहीं कांग्रेस हरियाणा की हार के भंवर में ही फंसी है, हार की वजहों को तलाश रही है। हरियाणा में अभी देखा जा रहा है, कमेटी बनाई गई है, क्या कारण हुए हैं, लेकिन हमें पूरा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाएगा। और दूसरे भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए सारे चुनाव लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के साइड इफेक्ट साफ नजर आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम कांग्रेस को मिला था उस पर ब्रेक लग चुका है। अब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आगे की दशा और दिशा तय करेंगे, मगर तब तक विजय रथ की डोर बीजेपी के हाथ में है। विजय राणा, पंचकूला, जी मीडिया।